हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली CGSL एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की को लेकर और मेरा आया रॉ मार्क्स को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले एग्ज़ाम के बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 मार्च को हुआ था, मतलब पहले दिन ही। और मेरा सीट पड़ा था दुर्गापुर, सेकंड शिफ्ट का था एग्ज़ाम। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब उतना भी सीरियस नहीं था प्रिपरेशन को लेकर। और एग्ज़ाम लेवल मैं कहूँ तो मॉडरेट आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह अपन मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और जैसे कि आप लोग जानते हो अभी तक नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ है। ये मेरा रॉ मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 अटेम्प्ट किए थे और सभी राइट हो गए, और मेरा मार्क्स आए 50। रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट किए थे, एक गलत हो गया, 24 आया सही अटेम्प्ट, और मार्क्स आया 47.5। और इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में भी सिर्फ 17 ही राइट हुआ है और 30 मार्क्स आया है। और जनरल नॉलेज में 17 अटेम्प्ट किए थे, 10 करेक्ट हुआ और 16.5 मार्क्स आया है। और ओवरऑल देखे तो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 76 करेक्ट हुआ है और 144 मार्क्स बन रहा है रॉ मार्क्स। हाँ, ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर उधर हो गया है लास्ट वाला रो। तो इंग्लिश कुड बी बेटर, यस आई थिंक, आई ऑल्सो थिंक सो। जीके जीएस में जो स्कोर आया है वो लगभग सही सही है, मतलब एवरेज। और इंग्लिश में थोड़ा बेटर हो सकता था, हालांकि इंग्लिश में इस बार सबका मार्क्स ही एवरेज मार्क्स भी कम आया है फिर भी। एंड स्कोर कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। एंड थैंक यू, दिस वाज ऑल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल। जय हिंद।